रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार के इन प्रयासों के बाद कई क्षेत्रों में बदलाव भी देखने को मिला है, साथ ही किसानों का भी रुझान प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ता जा रहा है। वहीं बात की जाए देश के आकांक्षित जिलों में शुमार चंबा जिले की, तो यहां कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। चंबा के 10 अलग अलग क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती के ट्रायल और 300 से अधिक किसानों के किचन गार्डन भी लगाए गए हैं, ताकि वे जहर मुक्त सब्जी और फल तैयार करें और इसे खाकर स्वस्थ रहें। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक एवं प्रभारी डॉक्टर राजीव रैना ने बताया कि प्राकृतिक खेती केंद्र सरकार की नीति में अपना विशेष स्थान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि जिला चंबा में बहुत से किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। एक अपना विशेष स्थान बना चुकी है, इसी खेती के लिए इसको वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध करने के लिए सरकार ने हम कृषि विज्ञान केंद्र में एक प्रोजेक्ट दिया है, और प्राकृतिक खेती आज बहुत से किसान जो हैं इसको जानने लगे हैं, करने लगे हैं, परंतु कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन्हें हम सैद्धांतिक तौर पर सिद्ध करना जो ज़रूरी है, और ताकि इसकी एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो है हम डेवलप कर सकें। इस प्रोजेक्ट के तहत हमने चंबा में 10 अलग अलग किसानों के पास अलग अलग क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के इस खरीफ सीजन में ट्रायल लगाए हुए हैं, और उनकी हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिनमें जो इसके घटक हैं जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत और जो क्रॉप कम्बिनेशंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस खेती के लिए, वो अलग अलग जगह के लिए तय किए हैं, और उसका हम जो है देख रहे हैं। हमारा अपना जो फार्म है भगोत में, उसमें भी हमने इसको प्राकृतिक खेती में बदलने का हमारे जो हम माननीय कुलपति महोदय ने जो हमें आदेश दिए थे, पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को कीटनाशकों से मुक्त, ये दवाइयों से मुक्त और नेचुरल फूड जो है प्राप्त हो, ताकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे।